स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस की जो परीक्षा 1 अक्टूबर को 2 पाली में संपन्न हुई थी, इस दोनों पाली की परीक्षा को सीएसबीसी के द्वारा रद्द कर दिया गया है। रद्द करने का कारण आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रश्न पत्र का आंसर जो था मार्केट में परीक्षा से पहले वायरल हो चुका था। तो 1 अक्टूबर के दोनों पाली की परीक्षा रद्द होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई परीक्षा के तिथि से संबंधित नोटिस काफ़ी तीव्र गति से वायरल हो रहा है। अब इस नोटिस में कितना सच्चाई है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे कि यह नोटिस फेक है या सही है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस नोटिस में सबसे पहले क्या बताया गया है, उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे कि आखिर जो यह नोटिस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इस नोटिस में कितना सच्चाई है। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, ठीक है, हार्डिंग रोड नज़दीक सप्त मूर्ति शहीद स्मारक पटना, ठीक है। वेबसाइट का नाम भी दिया गया है www.csbc.bihar.nic.in। और यहाँ पर देख लीजिए विज्ञापन संख्या, यानी कि 1/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधित सूचना। और जब आप नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के 21,391 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2023 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक यहाँ पर देख लीजिए 26/11/2023 रविवार, दिनांक 3/12/2023 रविवार, 10/12/2023 रविवार को आयोजित की जाएगी। अब देखिए आप लोग, इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 3/12/2023 रविवार को एग्जाम होगा, 26/11/2023 रविवार को एग्जाम होगा और 10/12/2023 रविवार को एग्जाम होगा, ठीक है। और देखिए इसमें आप सभी जानते हैं कि टोटल 6 पाली में एग्जाम होना था, यानी कि जो पहले 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को लेकर के 6 पाली में एग्जाम होना था, इसमें भी देखिए बताया गया है कि 26/11/2023 प्रथम पाली का एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि 10 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक होता है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम की अवधि, यानी कि परीक्षा के समय की जो अवधि है 2 घंटा होता है। रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे होता है, इस बात को आप लोग जानते हैं। और देखिए इस नोटिस में अब सच्चाई कितना है, अब हम लोग इस नोटिस के सच्चाई को पता लगाएंगे कि आखिर यह नोटिस फेक है या सही है। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आइए हम लोग सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यह नोटिस सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, और नहीं भी डाला गया है तो एक और फैक्ट है इस नोटिस को सही और गलत साबित करने का, मैं इसी वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप लोग कोई भी डाउट में मत रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का यह ऑफिशियल वेबसाइट है। वेडनेसडे आप लोग देख लीजिए 4 अक्टूबर 2023, और यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस वैकेंसी से संबंधित कोई भी, यानी कि नोटिस जो होता है सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डाला जाता है। और जब आप लोग इसमें देखिएगा तो बिहार पुलिस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। डेट जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पर 3 तारीख के डेट में ही, यानी कि 3/10/2023 के डेट में ही आपको एक नोटिस देखने को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित नोटिस है। और आप लोग इस नोटिस को पढ़े भी होंगे, और देखिए यहाँ पर 3 तारीख के बाद कोई भी नोटिस नहीं डाला गया है और नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी बिहार पुलिस
जॉब यानी कि वैकेंसी से संबंधित जो ऑफिशियली नोटिस होता है सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलता है, तो आप लोग को 3/10/2023 में ही एक नोटिस यहाँ पर दिख रहा है और 4/10/2023 का यानी कि जो फेक एग्जाम डेट का जो नोटिस वायरल हो रहा है वह बिल्कुल रूप से फेक है। इस बात को आप लोग समझ जाइए, जब भी आपका नया एग्जाम डेट आएगा यानी कि नए एग्जाम डेट से संबंधित जो भी नोटिस आएगा आपको स्पष्ट रूप से सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो ऑफिशियली रूप से यानी कि सीएसबीसी का यानी कि जो एग्जाम डेट का जो नोटिस आया था आप सभी लोग देख करके समझ भी सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर यानी कि जो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को एग्जाम होना था इसके रिगार्डिंग जो ऑफिशियली नोटिस बिहार पुलिस के सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 11/9/2023 को आया था, जब इसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो देखिए डाउनलोड हो रहा है, और जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो एक पीडीएफ आपके सामने खुल कर रख के आएगा और देखिए पूरा एचडी में यह पीडीएफ है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 1/10/2023 प्रथम पाली की परीक्षा यानी कि 10 बजे यानी कि सुबह में 12 बजे तक होगा। यानी देखिए अब आप लोग क्लियर हो जाइए कि जो मार्केट में नई परीक्षा की तिथि का जो नोटिस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर वह बिल्कुल क्या है यानी कि फेक है। इस बात को आप लोग समझ जाइए, अभी ऑफिशियली रूप से कोई भी नई परीक्षा की तिथि नहीं आई है। और देखिए आप लोगों को मैं एक और तरीका बता देता हूं उस नोटिस को जांच करने का, तो जब आप लोग ओरिजिनल नोटिस को देखिएगा तो एकदम आपको एचडी में दिखेगा, यानी कि आप इस नोटिस को कितना भी जूम कर दीजिएगा तो इसमें जो भी अंक लिखा गया है बिल्कुल आपको क्लीन दिखेगा, बिल्कुल क्लीन दिखेगा। देख लीजिए 7/10/2023 को जो परीक्षा होने वाला था आप सभी जानते हैं स्थगित कर दिया गया है, आप इसे कितना भी जूम कीजिएगा एकदम आपको क्लीन दिखेगा, ठीक है। अब जो फेक नोटिस वायरल हो रहा है मार्केट में सोशल मीडिया पे, तो आप लोग देख लीजिए इसी डेट को एडिट करके बनाया गया है। तो देखिए फेक जो नोटिस है आप पहले देख लीजिए, तो देखिए जो फेक नोटिस है आपके सामने दिखेगा, फेक नोटिस ये है, और जब इसे आप लोग जूम कीजिएगा तो अभी आप लोग देख रहे थे कि जो ओरिजिनल आपका एग्जाम डेट था जो सीएसबीसी के द्वारा जारी किया गया था उसे कितना भी बड़ा कर देने के बाद उसका अंक फट नहीं रहा था। अभी आप लोग देख लीजिए इसका अंक क्या हो रहा है, पूरी तरह से धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसके डेट को यानी कि ओरिजिनल परीक्षा की जो तिथि था उसके डेट को एडिट करके आप सभी को भ्रमित करने के लिए यह नोटिस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आप सभी लोग इस नोटिस के चक्कर में मत आइए, यह बिल्कुल रूप से कोई भी सीएसबीसी के द्वारा अभी नई परीक्षा की तिथि नहीं जारी किया गया है। जब भी नई परीक्षा की तिथि जारी किया जाएगा तो आप सभी को मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। आप लोग मेहनत में लगिए, पढ़ाई में लगिए, पढ़ेगा उसी का रिजल्ट इस बार होगा, उसी का सिलेक्शन इस बार होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस परीक्षा की तिथि को भी अगर आप लोग जूम कीजिएगा तो पूरा धुंधला दिखाई देगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। एडिट किया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ओरिजिनल परीक्षा की तिथि भी देख लीजिए। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो एग्जाम स्थगित कर दिया गया है इसे, देखिए ये ओरिजिनल है, इसको कितना भी आप जूम कीजिएगा ना तो देखिए फट रहा है, देखिए खुद से मिलाइए फट रहा है, यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब फेक नोटिस को ये देखिएगा तो देखिए पूरी तरह से यह धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि जो वायरल हो रहा है नई परीक्षा की तिथि बिहार पुलिस के लिए 21,391 बिल्कुल फेक है। इस बात को आप लोग समझ जाइए, तो इस नोटिस में कोई भी सच्चाई नहीं है, यह बिल्कुल फेक है, यह एग्जाम डेट की नई तिथि नहीं है। तो आप सभी लोग इस अफवाह वाले नोटिस में मत पड़िएगा, आप अपने मेहनत में लगिए, और आप सभी को मेहनत कराने के लिए हमारे द्वारा डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपके बिहार पुलिस के परीक्षा के सिलेबस पर आधारित वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। और जो लोग भी 1 अक्टूबर को एग्जाम दिए हैं वे सभी जानते होंगे कि इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आप सभी लोग अपना समय निकाल करके जरूर मेरे से जुड़िएगा। आप सभी
विश्वास रखिए आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपके इस क्लास से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो और आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।